दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में इतने महंगे क्यों मिलते हैं और अगर आप भारत में रहकर ही एप्पल प्रोडक्ट को सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से लेंगे। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण हमारे भारत में लगने वाली कस्टम ड्यूटी और GST है, जहां एक सिंपल आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइस हमारे भारत में 97,180 है। अब इसमें 22% की कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर उसके बाद 18% का GST लगने के बाद टोटल प्राइस अब आपको 1,40,000 रुपए में बैठता है। दोस्तों इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि अब तक आईफोन की असेंबलिंग चाइना तथा US में ही होती है और इससे आईफोन का प्राइस भी बढ़ जाता है, लेकिन अब आईफोन 14 की असेंबलिंग चाइना से हटकर भारत में होने वाली है, क्योंकि चाइना में अभी तक तो कोरोना हटा ही नहीं, जिससे हमें थोड़ी राहत तो मिलेगी प्राइस में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बात करें दुबई की तो वहाँ कोई भी कस्टम ड्यूटी, कोई भी टैक्स, कोई भी फलाना ढिमकाना नहीं लगता, इससे हमारे देश के नागरिक बड़ी संख्या में आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट्स को लेने के लिए दुबई में जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भारत में 50,000 से कम की लेकर आते हैं तो उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। और तो और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एप्पल आपको खुद 10% डिस्काउंट आईपैड, मैकबुक और एयरपोर्ट में भी देता है, और अगर आप HDFC बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का कैशबैक तो मिल ही जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।